नमस्कार, मैं हूं अंकिता। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बेहद कम वक्त रह गया है, ऐसे में अभी से ही इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। 2024 चुनाव के लिए जब मोदी सरकार जनता के बीच जाएगी तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि राम मंदिर के साथ ही देश के आधारभूत ढांचे यानी कि राजमार्गों और सड़कों के निर्माण की भी होगी। और अब इसी कड़ी में मुंबई के अटल सेतु का नाम भी जुड़ जाएगा, जो मोदी सरकार के विकास कार्यों में सबसे ऐतिहासिक साबित होगा। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया है। बड़ी बात यह है कि हर मामले में अटल सेतु अपने आप में बेमिसाल है और पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। एक वक्त था जब मुंबई से नवी मुंबई जाने में लोगों को 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता था। ऊपर से ट्रैफिक जाम यात्रियों का सिरदर्द बढ़ा देता था, लेकिन अटल सेतु से अब ये सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा होगा और पूरी रफ्तार के साथ आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर दौड़ा सकते हैं। इस समुद्री पुल पर गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर तक रहने वाली है और पुल पर चढ़ते और उतरते वक्त ये स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई में NH4B पर चिरले से जोड़ने का काम करेगा। ये 52 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 21.8 किलोमीटर में तब्दील कर देगा। ये 70,000 से ज्यादा वाहनों का भार उठा सकता है। आपको बता दें कि समुद्र पर ये पुल करीब 16.50 किलोमीटर लंबा है। जमीन पर इसकी लंबाई 5.50 किलोमीटर है। करीब 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना ये पुल इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। इसका 14 किलोमीटर लंबा हिस्सा LNT ने बनाया है। इसमें भारत में पहली बार ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस पुल पर सिर्फ कारें रफ्तार भर सकती हैं। बाइक, मोपेड, तिपहिया वाहन, ऑटो ट्रैक्टर और जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों को इस पर जाने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा धीमी गति से चलने वाली गाड़ियां भी इस पुल पर प्रतिबंधित हैं। आपको ये भी बता दें कि इस पुल का निर्माण 10 देशों के एक्सपर्ट्स और 15,000 स्किल्ड वर्कर्स की मदद से किया गया है। ये पुल भूकंप के झटकों और समुद्र की तेज लहरों के बीच 100 साल तक खड़ा रहने में सक्षम है। वहीं इसके निर्माण में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी लॉर्सन एंड ट्रूबो ने इसे बनाया है। डेनमार्क से आए 2 इंजीनियर्स ने इस कंपनी को बनाया था और आज ये दुनिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है। इसने भारत ही नहीं दुनिया में कई प्रोजेक्ट बनाए हैं। इसमें गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनाने में ये कंपनी शामिल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी बना रही है। दावा किया जा रहा है कि 1000 साल तक कोई आंधी, तूफान या भूकंप, यहां तक कि बाढ़, इस मंदिर को हिला तक नहीं पाएगा। इसे पूरी तरह से पत्थरों से बनाया जा रहा है। इसमें सीमेंट और लोहे का न्यूनतम इस्तेमाल हुआ है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।